के जाने के चक्कर में ना मैं बीमार हो गया हूँ, लो फील कर रहा हूँ। 13 दिसंबर को है मेरा एग्जाम, तो पढ़ाई भी करनी है, डेडलाइन है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। तो आज का ये व्लॉग है मेरा ससुराल से विदाई का व्लॉग, और मैं करने लगी हूँ अपना सामान पैक जाने के लिए। तो पतिदेव मुझे छोड़ के आएंगे, इनकी तबीयत थोड़ी आज ऐसे ढीली ढीली सी चल रही है, ये रात को ठीक से सो नहीं पाए, और वैसे भी कम सोते हैं ये, सुबह 4:30-5 बजे रोज उठ जाते हैं, और घर के बाकी काम जो है वो सारे करते हैं। हमने माइक पहने हुए हैं, घर में काम चल रहा है, तो ये भी है, इनको जल्दी वापस भी आना है। मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और घर में काम चल रहा है, इनकी ज़रूरत यहाँ भी है, और मुझे छोड़ने भी जाना है, मैं लंबी ड्राइव नहीं कर सकती, तो इतना सारा कुछ हो रहा है। मम्मी चाहे कहीं जाए, मैं ठीक हो गई हूँ, ये हो गया वो हो गया, पर हमें पता है कितना ठीक हो गया हूँ। उनके हाथ सूजे हुए हैं दोनों, उनसे काम कोई हो नहीं रहा है, बीमार हैं, और उनको इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि काम ना ही करें, और खाने पीने का है तो खाने पीने का तो थोड़ा बहुत वो कर ही सकते हैं, और नहीं तो मैं बाहर से ले आया करूँगा, इतना भी नहीं है। और आप जाकर ये तो बताओ, वैसे मैंने ब्लॉग में बता ही दिया था शायद। हाँ जी, 13 दिसंबर को है मेरा एग्ज़ाम, और 17 दिसंबर को है ड्रीम कैचर, मेरे गुरु माँ के स्टूडियो का एनुअल फंक्शन होता है, हर साल हम जाते हैं, मैं पार्टिसिपेट करती हूँ उसमें, और पिछले साल एक ना उसमें ओथ लेनी थी, तो उसमें मैंने अपनी टीचर को प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैंने उस टाइम रिज़ाइन दे दिया था एलपीयू से, तो मैंने अपने गुरु माँ को प्रॉमिस किया था, वो भी इनके कहने पे, ये बहुत इमोशनल हो गए थे पिछली बार हमारे स्टूडियो की परफॉर्मेंसेस देख के। पिछली बार आला कि मैं बड़ा इमोशनल हो गया था, उस समय मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए आपने ये कभी परफॉर्मेंस छोड़नी नहीं है। तो मैंने अपनी टीचर को प्रॉमिस किया था, सबने एक एक प्रॉमिस किया था, तो मैंने ये कहा था कि मैं कहीं भी होंगी, मैं इवेंट से 15 दिन पहले आपकी हेल्प करने और तैयारी करने मैं पहुंच जाऊंगी। तो अभी वैसे मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं 1 दिसंबर को आ जाऊंगी, पर थोड़ा एक दो दिन लेट हो गया, तो अभी डेडलाइन है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर और लेट हो गया, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो मुझे करवानी है इवेंट की, तो वो सारी अभी शुरू करनी है जाके, और डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के और लेवल्स के बच्चे और डांसर्स हैं हमारे पास, तो उनके साथ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एक परफॉर्मेंस मैं एक और करवा रही हूँ, तो उसको भी पॉलिशिंग उसकी देखनी है, जाके थोड़ा काम करना है, तो इसीलिए जाना ज़रूरी है, 15 दिन तो एटलीस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और फिर मेरा एग्ज़ाम भी है, तो पढ़ाई भी करनी है, तो ये सब है, इसीलिए जाना बहुत ज़रूरी है। तो इनके जाने के चक्कर में ना मैं बीमार हो गया हूँ ये बहुत लो फील कर रहे हैं आज, लो फील कर रहा हूँ, मेरे को फिर मैं ड्राइव भी करना है, और फिर मैंने वापस बस में बैठ के आना है, 3 घंटे वो लग जाएंगे, जाते जाते तो चलो हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, 2.5 घंटे में, 3 घंटे बस में ड्राइव करके, बस में बैठ के आना है, और फिर प्रभ भी चले जाएगी, नोबिता भी चले जाएगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस कमरे में मैंने सोना ही नहीं है, बस अभी सो रहा हूँ मैं, अब मैंने ये कमरा कर देना बंद, इसमें ना लगेगा झाड़ू ना पोछा, एक तो काम बचेगा, ऊपर से मैं यहाँ सोऊंगा नहीं, ऐसे नहीं, इनकी याद आएगी, नहीं ऐसे नहीं, उस साइड नहीं, यही सोना, आप मेरे को मिस करना। हाँ, यहाँ सो के क्या मिस करूंगा मैं और मेरा सिर बहुत ज्यादा भारी हो रहा है, अभी भी दुख रहा है सिर, मेरे को लग रहा है मेरा बीपी लो है। कॉफी पिलाऊं, तो ऐसा भी कुछ मीठा या पता नहीं अब क्या हुआ है, सिर मेरा बहुत ज्यादा भारी है, और अभी मैं कितना टाइम सो जाऊंगा, 1 घंटा सोया, पता नहीं, जैसे मैं रिफ्रेश होके उठता हूँ ना 1 घंटे, ऐसा लग रहा है कच्ची कच्ची नींद सी लग रही है। अच्छा, नोबिता को टेंशन पड़ी हुई है, देखो कैसे मेरे पैर छीलने लगा हुआ है, कि तुम दोनों बातें कर रहे हो बेड पे बैठ के, मुझे भी उठाओ। तो दिखा दो क्या क्या सामान है, आप क्या क्या पैक करके लेके जा रहे हो। एक तो हमारा ये नोबिता है, अभी ये पुरानी पैकिंग से निकल के नई वाली पैकिंग में आने वाला है, ये इसका नया ड्रेस है अच्छा, ये आउटिंग के लिए ये ड्रेस है। यस, आउटिंग के लिए इसकी 2 ड्रेसेस है रखी हुई मैंने, ये अच्छा है, शादी वाले दिन भी तो यही पहना था। नहीं नहीं, वो जैकेट थी ना, वो छोटी हो गई थी इसके, फिर वो शिजुका पहनने लग गई, तब छोटा था ये।
वो तो प्रॉपर जैकेट थी। वो पागल क्यों हो रहा है? वो उसको ये दिख गया, अब उसको अपनी ड्रेस दिख गई है। हाँ पहना दो। और इधर जाते जाते ना, हाँ खाना इसने खा लिया है काफी टाइम पहले, तो अभी मेरे को जाते जाते थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा सामान हो जाता है। तो ये तो मेरा कॉमन पर्स है ही, कहीं भी जाती हूँ तो ये मेरे साथ ही जाता है। ये मेरा हेयर ड्रायर है, ये मेरी कर्लिंग हेयर रॉड है, वो देखो उधर देखो, उधर देखो इसको, नो बिता को पागल हो गया ये अपने कपड़े देख के। नए कपड़े लो, कितना एक्साइटेड होता है ये भी। हाँ इसको भी बड़ा शौक है नए कपड़े पहनने का। ये अच्छे लगते हैं, इसके लिए ना ये ऐसे लाने चाहिए। ये राइट कलर मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था, फिर मैंने कहा यही वाला रंग दो आप। ये क्या हो गया? मुंह डाल के बैठा है उसमें, चबा के उसको। नॉटी नॉटी बच्चा है ये। ये देखो देखना क्या कर रहा है, ये नहीं शरारते कर रहा है ये पहन। अच्छा हाँ, नीचे से आएगा ना। नोबिता शरारते कर रहा है, नोबिता शरारते कर रहा है। अच्छा माँ क्या आप मिस करोगे फिर आप जाके? अब आपको सबसे ज्यादा और ससुराल में ये भी चक्कर है, मैं वहाँ पे रुक नहीं रहा हूँ, मैं बार बार से आ रहा हूँ। मैं फगवाड़े तक जाऊंगा क्योंकि फगवाड़े से फिर मेरे को बस इजीली मिल जाएगी, तो वहाँ से सीधा ही वापस घर को, क्योंकि घर में काम भी लगा हुआ है, बहुत काम है और काम है। बदवा मजदूर हूँ मैं घर का। नोबिता देख लो शरारते करी जा रहा है, ये बंद नहीं हुआ इसका ठीक से, ये खोल लेगा। नोबिता ये देख लो क्या कैसी हरकत है इसकी, ये देखो इसको ये पता लग गया है मैं जा रहा हूँ। हाँ बैग भी देख लिया ना इसने, ये बैग इधर निकला हुआ है, ये देखो ये देखो, खुशी देखो इसकी। चल चलिए तुझे नहीं जाना है का? तैनू सोना बाबू बना के इतने छाड़ के चल जाना मैं। और खिंच के लगा, हाँ खिंच के लगा दो टाइट करके ना, ये खुल तो मुंह एक पा के इतने इतने मुंह पा पा के इन खिंच लंदा या फिर जाओ जाओ मम्मी के नाल जाओ निकलो। क्या पता नहीं कहाँ चलेगी मम्मी, दे ले तेरे को छोड़ के चलेगी है, सिर्फ कपड़े पहनाए हैं और दे ले साथ नहीं लेके गई। हाँ देख ले, जा चले जा 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 जा। कहाँ चलेगी भाई, देख रहा है आपको। मैं आपके लिए डार्क चॉकलेट लाने गई थी, बीपी लो हो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। नोबिता तेरे लिए नहीं है। अभी मैं करने लगी हूँ कपड़े पैक, आपको लग रहा होगा कितने सारे कपड़े हैं, पर सर्दियों के कपड़ों में यही प्रॉब्लम होती है, थोड़े से कपड़े रखो उसमें भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे कपड़े हैं। फिर बड़ा बैग लेके जाओ ना। नहीं छोटे ठीक है, फिर आते वक्त और ले आना कपड़े, तुम्हारे वहाँ भी पड़े हैं और। हाँ ले, वो तो क्या ही है गाड़ी में रख के लाने हैं, मैं तो फिर आके ऐसे ही ले जाती हूँ सामान। गाड़ी को बैग बना रखा है आपने। हाँ। ये ना पिछली बार नाइट सूट लाने वाली थी, ये पैजामा ले आई, टॉप वहीं छोड़ आई। फिर अब पैजामा को लेके जा रहा, टॉप ले आना बस। फिर पैजामा पहनना चाहेगा ना अभी। हाँ थोड़ा लूज वाले कपड़े अभी पहने चाहेंगे। सही है, कपड़ों का बड़ा इशू हो रहा है, साइज का इशू हो रहा है बड़ा। किताबें भी बहुत हो गई हैं। हाँ फिर अब जरूरत पड़ेगी ना, अब तो सारा ही पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके। चलो बेटा चलेगा तू भी हैं कि नहीं जाना है? नोबिता जाना जाना, तू तू जाना या तिन्नू नहीं लेके जाना सी? नोबिता का सामान भी ले लेना यहाँ से। नोबिता की दवाइयाँ रख ली है, खाने पीने का इसका है वहां पे, ये लेके नहीं आना, डेड को ले जाना है। सामान बहुत ज्यादा लग रहा है। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा थताएगी। लग तो रहा नहीं है, मुझे तो लग रहा है आप बड़े खुश हो रहे हो। मेरी जान लेके जाएगी कह रहे हैं, मेरे को एक मिनट का चैन नहीं है घर में, मेरे को एक मिनट का चैन नहीं है। पहले मुझे लेके गए, फिर मम्मी को लेके गए, फिर खुद बीमार हो गए।
पता नहीं क्या कहा है, कभी तुम बीमार कभी मैं बीमार, चलता ही रहता ही है। नहीं अब तो ये चलता ही रहेगा ना। 9 महीने आपका चल रहा है, मम्मी वैसे ही बीमार हो रहे हैं, फिर उसके बाद एक और आ रहा है उसके भी लिए भी विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास। हाँ ये आप, कभी कभी नोबिता भी बीमार हो जाता है, कभी कभी नोबिता अपने थोड़े टेंट्रम दिखा देता है जब इसको लगता है मुझे टेंशन कम मिल रही है, फिर ये बीमार हो जाता है। आप भी तो नहीं इसीलिए बीमार होते कि आपको टेंशन रही है? मुझे तो ऐसी मिलती रहती है, आप क्या टेंशन, मैं तो ऐसी टेंशन ले लेती हूँ पतिदेव। नोबिता वो देखो, नोबिता छोड़ दे उन्हें, अब उसको देख रहा है कि उसको भी मैं पहनूं, ये भी पहनना है, आएगा ही ऐसे मस्ती कर करके, ले आजा ले, इसकी मस्ती ऐसी है फाड़ देता ये। साढ़े यहाँ पर तो सिक्की उड़ना नहीं पे, इस पे टांग देता हूँ टांगने के, ये देखो आपका सारे डब्बे डुब्बे इसने तहस नहस कर दिए। ये इस पे बंद हो जाएगा, मेरे को नहीं लग रहा हो जाएगा, मैं लगाऊं जोर ऊपर से हो गया। यहाँ से भी कर लो, तेरी मेहरबानिया तेरी कदरदानिया, ये मेरी दवाइयाँ। हाँ ले जाओ दवाइयाँ भी ले जाओ, अपना बच्चा भी ले जाओ, मेरे को रहने दो बस सुकून से। अब यहाँ पे गाड़ी भी चला के चले जाओ, मेरे को रेस्ट मिल जाएगी। गाड़ी थोड़ी चलाने, ये तो मैं चल ही जाती। हाँ इसमें मेरा ही हेयर एक्सेसरी, नो भी तो मेरे चश्मा तो थप्पड़ मारूंगी मैं, क्या मेरे चश्मे पे बैठ रहा है बार बार नोबिता, इतनी बेइज्जती करा रहा है तू आज, थप्पड़ मारूंगी तेरे मैं। मम्मी का भी नहीं दिल लगेगा इसके बिना, पापा का भी नहीं दिल लगता नोबिता के बिना। गर्मी लग रही है इसको वैसे, फिर उतार दो, गर्मी लग रही है तो लग रहा है इसको गर्मी लग रही है, उतार ही देते हैं। नहीं मेरे को नहीं लग रहा गर्मी लग रही है, उसको देख के कर रहा है। अब ये क्या हाथ से रखनी है गाड़ी में, फिर गाड़ी को यहीं लेके आना पड़ेगा। हाँ जी बस हो गया, ये देखो ये मेरा ये मेरे इसके काम देख लो, इसके नोबिता ने आज हुड़दंग मचा रखा है। मेरा हेयर ड्रायर है, ये मेरी कर्लिंग रॉड है, और ये मेरी प्रेसिंग मशीन है, ऐसे करके सामान। तो आप बालों को कर्ली करवा लो ना, परमिंग करवा लो जो पहले थे। उसके लिए ना ये जैसे मैंने वो स्मूदिंग करवाई थी ना, वो ऑलमोस्ट बाल निकले क्योंकि मैंने छोटे कराए थे, पर अभी इतने बाल हैं वो स्मूदिंग वाले। हाँ। ये निकलेंगे। हाँ। फिर बड़े होंगे जो नेचुरल हेयर आएंगे ना, फिर उसको 9 महीने बाद ही करवा। हाँ मैं सोच रही थी अपने बेबी के फर्स्ट बर्थडे पे कराऊंगी वो ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा देखते हैं क्या होता है। अरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे भी सोच लिया, सोचना क्या होगा ही, वो तो बर्थडे तो होगा ही, तब की चीजें भी सोच ली, मतलब तब मैंने ये कराना है। यस हमारी प्लानिंग ऐसी होती है। अच्छा जाने से पहले अपने लिए फ्रूट्स काटे जा रहे हैं, हम दोनों के लिए अमरूद भी काट दिए हैं। अमरूद खा लोगे अब आप? हाँ जी थोड़ा थोड़ा खा लूंगी, बीज फेंक दूंगी। ठीक है, पूछा मैंने डॉक्टर से, वो कह रहे हैं अभी प्रॉपर हील नहीं हुआ ना, इसीलिए है थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है मम्मी, फिर तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है। हाँ वैसे चीके मारी है ना क्या लगाया सर पे, कुछ नहीं पसीना है, मैं छोड़ के आ गया बस। ठीक है ठीक है, ओके बाय। नोबिता देखो कैसे बैठ गया जाके, इसको सबसे पहले बैठना है, बाकी पीछे सामान सारा रख दिया, डिग्गी में भी रख दिया, जल्दी बैठो, बाय बाय।